हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डिपॉजिटरी लाइब्रेरी के बारे में। हमारे इंडिया में कौन कौन सी ऐसी लाइब्रेरी है जिन्हें कि हम डिपॉजिटरी लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, देयर आर 4 डिपॉजिटरी लाइब्रेरी इन इंडिया। हमारे इंडिया में 4 डिपॉजिटरी लाइब्रेरी हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला, जैसे नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता। पहला क्या है, नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद है एशियाटिक सोसाइटी बॉम्बे। क्या है, एशियाटिक सोसाइटी बॉम्बे, इसकी स्थापना 1804 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद है हमारा कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई। कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई, इसकी स्थापना 1890 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 1951 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, अब ये डिपॉजिटरी लाइब्रेरी कौन से लाइब्रेरी कहलाते हैं? वैसी लाइब्रेरी जिन्हें कि डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954 के तहत इंडिया में पब्लिश होने वाली प्रत्येक बुक की एक एक कॉपी 30 दिन के अंदर मुफ्त भेजना होता है। ये चारों जो लाइब्रेरी हैं, इनमें हमारा जो डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट था दोस्तों, वो आया था 1954 ईस्वी में। इसमें संशोधन भी किया गया था, वो किया गया था 1956 ईस्वी में। इस तरह इस एक्ट के तहत हम 30 डेज के अंदर में यहाँ पर बुक्स जो है, इंडिया में जो भी बुक्स पब्लिश होती है, हम इस लाइब्रेरी में, इन चारों लाइब्रेरी में फ्री ऑफ कॉस्ट एक एक कॉपी को भेजते हैं। इसमें 1956 में संशोधन करके न्यूज़पेपर को भी जोड़ा गया था। दोस्तों, जब 1954 ईस्वी में यह एक्ट आया था तो उसमें बुक्स का प्रावधान था, लेकिन जब इसमें 1956 में संशोधन किया गया तो इसमें न्यूज़पेपर को भी इसमें जोड़ा गया था। 1982 में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को कॉपीराइट लाइब्रेरी बनाया गया, और उसके बाद इस यही जो डिपॉजिटरी लाइब्रेरी है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, जिसकी की स्थापना 1951 ईस्वी में हुई है, इसको कॉपीराइट लाइब्रेरी बनाया गया। और दोस्तों, इस जो टॉपिक है, इस टॉपिक में क्वेश्चन कैसे बोलते हैं, कैसे बनते हैं, जैसे कि हमारा यह नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, एशियाटिक सोसाइटी बॉम्बे, कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। दोस्तों, हमें इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर याद करना पड़ता है। ईयर के अकॉर्डिंग हम इसे अरेंज करते हैं कि सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया। उसके बाद इससे दूसरा क्वेश्चन बनता है, बुक ऑफ डिलीवरी एक्ट, ये 1954 में आया। उसके बाद क्वेश्चन आता है, कितने दिन के अंदर हमें इस लाइब्रेरी में बुक्स को भेजने पड़ते हैं, तो 30 डेज होते हैं। 30 देश के अंदर हम इन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे भेजते हैं। फिर इससे क्वेश्चन आता है, इसका संशोधन कब हुआ, 1956 में। दोस्तों, हमारे साथ बने रहे, हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आते रहें। थैंक यू।